अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। आज एक नया दिन और एक नया व्लॉग, और आज जो है व्लॉग का आगाज़ वही नाश्ते से है। और आज मैं सोच रही थी कि मैं ब्रेड एंड जैम लूँगी और यू नो सिंपल नॉर्मल नाश्ता। तो खैर ये मैं करने लगी हूँ अपना नाश्ता। और सीरियसली कल मुझे इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस आए थे रिगार्डिंग बॉडी शॉप के, और दे वांटेड टू नो बिकॉज कल लास्ट डे था और बहुत से लोग जाना चाह रहे थे, चीज़ें लेना चाह रहे थे। तो मुझे इतने मैसेजेस आए एंड बिलीव मी मुझे इतनी खुशी होती है, एक तो आप लोगों के ट्रस्ट पे, दूसरा ये कि जिस तरह से मुझे इतने मैसेजेस में दुआएं मिल रही थी, मुझे इतना इनर खुशी होती है ना, एक जो अंदर से होती है, इतनी खुशी हो रही थी कि एक तो ट्रस्ट है उसकी खुशी, दूसरा ये कि इतनी इतनी अच्छी दुआएं कि मैं बता नहीं सकती। आई हैव नो वर्ड्स सीरियसली। तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि मुझे कितनी खुशी होती है जब मुझे इतनी मज़े मज़े की बातें, इतनी अच्छी लोग मुझसे लाइक बातें भी करते हैं, मेरा लाइक मेरी गपशप भी चलती है उनके साथ, और दूसरा ये कि वो मुझे इतनी अच्छी ढेर सारी दुआएं देते हैं और इतने प्यारे एक्सेंट्स में बात करते हैं, लाइक मुझे अपने व्यूअर्स का पता चलता है, वो मुझे वॉइस नोट भेजते हैं। तो आई एम लिटरली वेटिंग कि मुझे आप लोग वॉइस नोट्स भेजें और मुझे पता चले कौन कौन मेरे व्लॉग्स देखता है और कौन कौन इतने शौक से व्लॉग्स देखता है, मुझे बहुत खुशी होती है। तो खैर ये तो था कि कल का व्लॉग था जो बॉडी शॉप के बारे में लोगों ने मुझसे बहुत से क्वेश्चंस किए थे, तो उसके बारे में मुझे था कि मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। दूसरा ये है कि ये जो नाश्ता मैं करने लगी हुई, मेरे बचपन का फेवरेट नाश्ता है, मक्खन के ऊपर चीनी। अभी मैं चीनी बहुत ज़्यादा खाती नहीं हूँ, लेकिन बस आज मक्खन मंगवा के उसमें मेरा बड़ा दिल चाह रहा था चीनी डाल के तो खाने का। और मुझे याद है बचपन में मेरी अम्मी ना चपाती बना के तो उसके ऊपर मक्खन या देसी घी लगा के तो चीनी डाल के इसका रोल बना के देती थी। उफ इट वॉज सो यम। अभी भी उसकी वो एक चीज़ ना मुँह में आती है मज़े की, इट वॉज सो यम। खैर ये तो थी बचपन की बातें, और आज मुझे आप लोगों से डिस्कस करना था। किसी ने मुझसे पूछा था इजी बाय के बारे में, आई थिंक दैट ब्रांड इज़ इजी बाय। उसका मैंने एक हॉल किया था अपने दूसरे चैनल पे, और बहुत पहले किया था लास्ट ईयर, और उसमें मैंने बहुत डिफरेंट चीज़ें मंगवाई थी। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, क्योंकि मुझसे बहुत से लोग क्वेश्चंस कर रहे थे कि आपने इजी बाय से चीज़ें मंगवाई थी तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, क्या कर किस तरह था। तो खैर मैं बीच में ये बताती जाऊँ कि मैं ये बहरिया टाउन गई हुई थी, मेरा कोई बहुत ज़रूरी काम था यहाँ पर। तो खैर मैं आप लोगों को इजी बाय के बारे में बताना चाह रही थी कि इजी बाय जो है वो एक साइट है, आई थिंक चाइना की साइट है, और वहाँ से आप लोग जैसे अली एक्सप्रेस पे चीज़ें मंगवाते हैं, लेकिन मैंने जब मंगवाया था तो मैंने जो है ना वो कैश ऑन डिलीवरी पे किया था, और मैंने बहुत सी चीज़ें मंगवाई थी, लाइक ग्लव्स मंगवाए थे। मुझे याद नहीं है, उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगी अगर आप लोग देखना चाहते हैं। और काफ़ी दिनों बाद आया था, तकरीबन 40 बल्कि 1.5-2 महीने बाद आया था, मुझे तो भूल ही गया था कि मैंने ऑर्डर किस किस चीज़ का किया था। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी। इजी बाय के बारे में मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इजी बाय का प्रॉब्लम ये है कि एक तो चाइना के जो लोग हैं ना, आई थिंक उनका साइज़ बहुत कम होता है, तो मैंने जो अपने साइज़ के मंगवाए थे वो मुझ पे बहुत कम छोटे थे। मींस मैंने एक पॉन्चो मंगवाया था क्योंकि विंटर्स थे, तो मुझे था कि चलो मैं एक पॉन्चो है मैं पहन लूँगी, क्योंकि आपको अच्छा कोजी फील होता है। और मैं क्वेटा में थी, जॉब भी कर रही थी, तो मुझे पॉन्चो की बहुत नीड थी। मेरे पास वैसे कोट्स वगैरह हैं लेकिन पॉन्चो नहीं था, लेकिन वो पॉन्चो मैंने पहन तो लिया लेकिन मुझे लग रहा था मुझे छोटा है, तो वो मेरी बेटी को मैंने दे दिया, शी वॉज वेयरिंग, लेकिन मैंने एक आध दिन पहना था। सब में जो कह रहे थे इट्स नॉट दैट स्मॉल, बट मुझे लग रहा था कि जो साइज़ होना चाहिए वो नहीं था। तो अगर आप लोग इजी बाय से शॉपिंग करते हैं, और हाँ एक चीज़ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब निकला कि जब मैंने उनसे शूज़ मंगवाए थे अपने साइज़ के, वो दो साइज़ लिखा मेरा साइज़ था और वो दो साइज़ छोटे थे, ठीक है। तो अगर आप लोग जो है ना इजी बाय से शॉपिंग कर रहे हैं तो ये बात ख्याल रखें कि
अपने साइज से कम से कम दो साइज बड़े जूते मंगवाएं, क्योंकि वो साइजेस आपको सूट नहीं करेंगे। और ग्लव्स वगैरह बड़े मज़े के थे, बहुत अच्छे थे, कोजी, बहुत फर वाले। और मुझे याद नहीं है, काफ़ी चीज़ें मैंने उससे मंगवाई थी और मेरी कुलीग्स ने भी मंगवाई थी, उन्होंने कोट्स मंगवाए थे तो बहुत अच्छे उनको मिल गए थे। तो ये है कि इजी बाय वॉज अ गुड प्लेस, बट ये कि मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस दो तीन चीज़ों में ये हुआ था कि उनके साइजेस का मसला है, वो साइजेस उनके और हमारे साइजेस में बहुत डिफरेंस है। अभी मैं प्लान कर रही थी कि विंटर्स आ रही है तो मैं थोड़ा सा कुछ अपने लिए ले लूँगी, तलाल बैकग्राउंड में खेल रहा था, आप लोगों को उसकी आवाज़ें आ रही होंगी। तो खैर, आई वॉज़ प्लानिंग कि मैं कुछ ना कुछ अभी मंगवाती हूँ, लेकिन अभी तक फ़िलहाल मैंने नहीं मंगवाया। इंशाल्लाह ताला मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो खैर, ये तो थी मेरी इजी बाय वाली शॉपिंग की। मुझसे क्वेश्चंस आए थे तो मुझे, तो मैं आप लोगों को यही जवाब दे देती हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने जो है ना, हमने डिसाइड किया कि यहाँ पर एग्जीबिशन लगी थी मल्टी फोम वालों की, फर्नीचर वाली, इस्लामाबाद में। तो हमारा था कि हम जाके देख लेते हैं कि क्या क्या मिल रहा है, किस तरह है ट्रेंड, किस तरह चल रहा है आजकल फर्नीचर का। तो खैर, हम गए ये जो मेन रोड, मरी रोड, जो मरी की तरफ जाती है, उस रोड पे यहाँ पर एक ट्यूलिप, आई थिंक कोई, आई डोंट रिमेम्बर, कोई जगह थी वहाँ पर, नाम उसका ट्यूलिप था। बहुत बड़े से हॉल्स थे और वहाँ हम गए और वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त फर्नीचर था, बहुत ज़बरदस्त। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है बेड है, और प्राइसेस भी बहुत, उन्होंने लाइक इतना डिस्काउंट दिया हुआ था कि हम तो ऐसे देखने गए थे, क्योंकि अभी तक मेरा घर वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ। आप कैपेसिटी देखते हो कि घर में कितनी है, तो अगर जिन्होंने फर्नीचर लेना था उनके लिए तो वेल एंड गुड जगह थी। इतने मज़े का फर्नीचर था वहाँ पर, ट्रेडिशनल भी था, पुराना भी स्टाइल का भी था, नया लेटेस्ट भी था, ऑफिस फर्नीचर, रेस्टोरेंट्स के लिए, और इतना सामान था, इतना फर्नीचर था कि वहाँ तीन बड़े बड़े हॉल थे और वो सारे फुल थे, बहुत सारे लोग थे। बड़े मज़े का एक्सपो एक्सपो सेंटर टाइप जगह थी, जहाँ जैसे कराची में वैसी था। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फर्नीचर हमने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा फर्नीचर। और काफ़ी चीज़ें रीज़नेबल थी और काफ़ी चीज़ें बहुत हाईली प्राइस्ड थी। बहुत सारे जो थे वो जो कंपनीज थी, वो डिफरेंट इलाकों से आई थी, जैसे पेशावर से, लाहौर से। अब ये आप देख सकते हैं, ये 3,41,000 रुपए का है। अदरवाइज़ इसकी जो असल प्राइस है वो 4.5 लाख तकरीबन बनती है, इस डाइनिंग टेबल की। 8 का डाइनिंग टेबल था, बहुत मीन्स डिस्काउंटेड प्राइसेस उन्होंने दी हुई थी। और आप जाके अपने लिए, बहुत बहुत सी चीज़ें तो सोल्ड आउट थी, हम जब काफ़ी चीज़ें देख रहे थे बहुत सारी चीज़ें सोल्ड आउट हुई हुई थी, लोगों ने वो चीज़ें खरीद ली हुई थी। और इतने मज़े का ही, मुझे इतना मज़े का लगा, कैबिनेट था। और इसकी प्राइस आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक मैं दिखाऊंगी ऊपर, लेकिन ये है कि इट वॉज़ सी ये 28,500 रुपये का था, थोड़ा सा प्राइसी साइड पे। और इसके अंदर कैबिनेट के अंदर जो है ड्रॉर्स थी, और ये आप देख सकते हैं कि अब बहुत कुछ, इतना, ये ऑटोमन्स थे, बेड्स थे, ट्रॉलीज मैंने बहुत मज़े मज़े की वहाँ पर देखी। हम काफ़ी के कार्ड्स वगैरह भी ले आए कि अगर हमें फ्यूचर में अगर कोई चीज़ परचेज़ करनी थी तो हम इनसे ले लेंगे। और मुझे एक जगह अभी आएगी, आपको दिखाऊंगी मैं, कि वहाँ की ट्रॉलीज तो मैंने सीरियसली, इतने मज़े की ट्रॉली, ऊपर से हैंड पेंटेड, और इतने मज़े के टेबल्स, सेंटर टेबल्स, कॉफ़ी टेबल्स, यानी कि यू नेम इट एंड यू कैन फाइंड इट हेयर। इतने मज़े का यहाँ पर एग्जिबिशन लगी हुई थी। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ब्लू वाला, ये 2 सीटर्स, फिर 3 सीटर्स, साथ में 3 टेबल्स और ये 2 चेयर्स, ये सारा सेट जो था ना वो 1,25,000 का था। वेरी रीजनेबल, सीरियसली मुझे तो बहुत रीजनेबल लगा कि टेबल्स भी हैं और पूरा ड्राइंग रूम का एक साइड का सेट है। कलर मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ब्लू कलर मुझे ड्राइंग रूम्स के लिए अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सोबर कलर होना चाहिए, ब्लू कलर वगैरह लाउंज में अच्छा लगता है। तो उसके बाद जो है ना, ये जगह मैं आपको बताना चाह रही थी कि यहाँ पर इतने मज़े का फर्नीचर था। ये शॉप आई थिंक ये द सेम वन है, यहाँ पर सारी चीज़ें हैंड पेंटेड थी और यानी कि यूनिक फर्नीचर था, इतना यूनिक फर्नीचर था। आप ये देख सकते हैं, ये कितनी मज़े की ओल्ड क्लासिक चेयर्स हैं, और ये आप देख लें कि ये ट्रंक बनी हुई है, और ये सारा हैंड पेंटेड था। कैसाबेला, आई थिंक या इट वॉज़ कैसाबेला, इस्लामाबाद की कोई शॉप थी। और इसका फर्नीचर मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली इसकी ट्री ट्रॉलीज़,
और ये दो चेयर्स भी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही क्लासिक था। और बीच में ये जो आप टेबल देख रहे हैं साइड पे, इतनी मज़े की चीज़ें थी। ये ट्रॉलीज मैं आपकी बात को बता रही हूँ, इसके अंदर हैंड पेंटिंग हुई थी, बट इट वॉज़ ऑन अ प्राइसी साइड, लाइक 25 to 30,000 रुपीज़ की एक ट्रॉली थी। एंड इसका ये टेबल भी मुझे बहुत पसंद आया, ये बिल्कुल यूनिक स्टाइल का था, बहुत ही खूबसूरत था। और आप देख सकते हैं प्रॉपर फ्रेम है, और इसके साइड टेबल्स भी फ्रेम वाले हैं। लेकिन ये है कि ये इस ड्राइंग रूम का फर्नीचर है, ये नॉर्मल लाउंज में हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बच्चे हों तो हाथ वगैरह लग जाते हैं। और ये डाइनिंग देखिए आप, इनका बहुत ही प्यारा डाइनिंग। और फिर उन्होंने साथ में एक्सेसरीज भी रखी हुई थी इतनी कि आप उनको देख के आपको अंदाज़ा हो जाए कि हाँ जी, इसको मैं इस तरह डेकोरेट कर सकती हूँ या इसको मैं किस तरह रख सकती हूँ। अब ये टी ट्रॉलीज देखिए, सारे हैंड पेंटेड है ये भी, और जो आगे मैं आपको दिखाऊंगी ये भी हैंड पेंटेड। सारी चीज़ें ना इन्होंने बहुत प्यारी पेंटिंग की हुई थी, और बहुत ही मुझे सबसे जो ज़्यादा अच्छा फर्नीचर लगा था ना, वो कैसा बैला का लगा था, बहुत ही खूबसूरत, बहुत यानी कि यूनिक किस्म का फर्नीचर था इनका, जो नॉर्मल सारी जगह थी उनसे बहुत प्यारा था। ना सिर्फ इनके पास फर्नीचर था, बल्कि बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स थे जिसमें बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स थी, फाउंटेन्स थे, टेबल फाउंटेन्स और पता नहीं क्या क्या। और ये वाला जो है वो ही क्लासिक किस्म का जो है ना फर्नीचर, जो कि जो सवात वगैरह में मिलता है वो था, और बहुत प्यारा था। ये हैवी फर्नीचर होता है, मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट नहीं करता ऐसा फर्नीचर, लेकिन इट वॉज़ गुड। यानी कि अगर आप अपने घर को बिल्कुल क्लासिक पुराना जैसे सवात का लुक देखना देना चाहते हैं, तो उसके लिए दैट वॉज़ बेस्ट। और ये मुझे बहुत मज़े का लगा, ये एक सेंटर टेबल था और इसके अंदर फाउंटेन था, इसके अंदर से पानी निकल रहा था, पानी आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत प्यारा, इतना मज़े का फर्नीचर था। आई रियली वॉन्टेड कि मैं सारा शूट कर पाती, लेकिन बहुत सारे लोग थे। ये सारी आप देख सकते हैं कि ये फाउंटेन्स थे यहाँ पर, इतनी यूनिक चीज़ें थी कि आप अपने घर को, गार्डन को डेकोरेट कर सकते हैं घर के अंदर, यानी कि सब कुछ था, यानी कि आपके घर की डेकोरेशन के लिए सब कुछ था। और फिर एक मज़े की जो हमने स्टॉल देखा, ये मैंने बहुत ज़्यादा फेसबुक पे इसकी देखी थी कि वो इस तरह के वुड के पीसेस के अंदर जो है ना इस तरह ये भर देते हैं और टेबल्स बन जाते हैं। ये वाले टेबल भी वहाँ पर थे, बट मुझे थोड़े से प्राइसी लगे, क्योंकि ये 28-29,000 रुपीज़ का एक एक टेबल था, एंड आई डोंट थिंक सो कि इसकी इतनी प्राइस होनी चाहिए एक ही टेबल की। तो है बहुत बहुत, एक डाइनिंग टेबल मुझे बहुत अच्छा लगा, वो भी यानी कि 50,000 उसकी प्राइस लेस की हुई थी उन्होंने, और बहुत यानी कि मुझे तो यू कैन से कि बहुत मज़े का लगा था ये पूरी एग्जिबिशन। बड़ा यानी कि आपको इतना अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा कहाँ ट्रेंड जा रहा है, क्या चीज़ लेनी चाहिए, कौन सी जगह प्राइसी है, कौन सी जगह नॉर्मल है, क्योंकि वहाँ नॉर्मल मीडियोकर फर्नीचर भी मिल रहा था नॉर्मल प्राइसेस पे। तो ऐसी एग्जिबिशंस पे ज़रूर जाया करेंगे, ताकि आपको ये ऑन एंड ऑफ पता चले कि हाँ जी, यहाँ पर ये चीज़ अच्छी मिलेगी और हमें लेनी चाहिए और ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। तो खैर, ये बस सारा दिन जो है वो मेरा और मेरे हस्बैंड का हम बाहर ही रहे, फिर रात हो गई थी तो हम वापस आए, और अब ये जो है हम खाना खाने लगे हैं। तो आज जो है वो खाने में थी हलीम, तो हलीम जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये इन्होंने चपातियों के साथ दी हुई थी, मुझे नान के साथ पसंद। तो खैर, ये था मेरा आज पूरे दिन का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और तो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड मुझे कमेंट ज़रूर किया करें, और मुझे इनबॉक्स ज़रूर करें ऑन इंस्टाग्राम, मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों से बात करके। सो सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो इन माई नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।